स्टार्ट करूंगा। ठीक है बिरहाल, सबसे पहले आपको वेलकम इन द कोर्स। जो लोग कल नहीं आए थे क्लास में, और ये साथ मैसेजेस भी आ रहे हैं, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा ठीक है, ओके। तो आज हम स्टार्ट, ये मेरी वेबसाइट है, प्लीज़ इस पे आप जो भी चीज़ें हैं अपडेट वगैरह मैं इधर कर दिया करूँगा, चाहे आपके असाइनमेंट्स हों, चाहे आपके लेक्चर्स हों, वो सारे इधर पड़े होंगे, तो आप इधर से देख लीजिएगा। आज का लेक्चर नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, कल वाले भी कर दिए हैं। ठीक है, कोर्स आउटलाइन जो आपकी है वो सारी उसमें, और उसमें परसेंटेज वगैरह भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कोर्स आउटलाइन है, और ये जो लेक्चर वन है इसके अंदर हमारे ऑफिस आवर वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, कि मेरे ऑफिस आवर और लैब इंस्ट्रक्टर के ऑफिस आवर क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। वो लैब के फ़ौरन बाद है ना, हर लैब के फ़ौरन बाद लैब इंस्ट्रक्टर के ऑफिस आवर्स हैं। ठीक है, और मेरी इस क्लास से पहले होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर है मेरा, शाम के बाद कॉल ना कीजिएगा प्लीज़। और उसके बाद बस यही था, कल मैंने यहीं तक बातें की थी। और आज हम जो बेसिकली स्टार्ट करने लगे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग से करने लगे हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊप हम क्यों पढ़ने लगे हैं। कोई बता सकता है कि ऊप हमें पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों ऊप पढ़ने लगे हैं, ऊप होती क्या है? शाबाश। जी एनीवन, कल मैंने आपसे एक बात और भी की थी कि आप लोग जितना इंटरेक्शन करेंगे उतने ही लोग मुझे याद रहते हैं, जो लोग इंटरेक्शन नहीं करते वो लोग सर कम याद रहते हैं मुझे। जी बताएं। सर अलग अलग जो है वो फंक्शन बांधो तो दूसरे जो है डिफरेंट फंक्शंस पूरे प्रोजेक्ट पार्ट्स पे फर्क ना हो, नहीं हर फंक्शंस पार्ट वगैरह जो, अलग एक एक परफॉर्म मिनट। होगा। ठीक है ठीक है। अच्छा, असल में जो बात कल मैंने बताई थी आपको कि आपने जो अभी तक पढ़ी है वो चलो सीक्वेंशियल मॉड्यूल्स पे प्रोग्रामिंग बात कर है। रहे थे। जी बिल्कुल। और अभी जो हम पढ़ने लगे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब सबसे पहली पहली चीज़ ये है कि हमें समझना चाहिए कि हमें ये क्यों करनी पड़ रही है। तो मैंने आपको एक मिसाल दिया था कि आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट सपोज आप एक कोई गाड़ी बनाते हैं या कोई और कोई मैकेनिकल चीज़ बनाते हैं, अगर उसके हर पार्ट्स इंडिपेंडेंट हो। मिसाल के तौर पर गाड़ी है तो उसके टायर बनाने वाली कंपनी अलग होती है, इसी तरह से उसका इंजन बनाने वाली कंपनी अलग होती है, उसकी जो एसी वेसी जो उसके अंदर लगता है, इलेक्ट्रिशियन का काम वो कोई और करता है, इसके बाद कलर का काम कोई और करता है। अगर ये सारा जो काम एक ही बंदा करे और एक ही तरीके से करे और वो सारे जो है ना वो जुड़े हुए हों, ठीक है, तो फिर सारा काम खराब हो सकता है। मतलब एक चीज़ में फॉल्ट है तो सब में फॉल्ट आ सकता है। अब ये टुकड़ों टुकड़ों में करने का फायदा ये होता है कि जब टायर का मसला है ना, तो सिर्फ हमने टायर बनवाना है, ठीक है ना, हमने कोई और चीज़ नहीं बनानी। इसका मतलब हमें एसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के आप टुकड़े करते हैं ना जब, तो उसको आपको चीज़ें जो है ना हैंडल करना बहुत ईजी हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी है, अगर आप सोचें कि पूरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनका एक ही डीन होता तो फिर कितना कोई मसला हो जाता। तो इसलिए फैकल्टीज डिवाइड की हुई हैं, प्रोक्टर है, प्रोक्टर के नीचे डीन्स हैं, डीन्स के नीचे एचओडीज हैं, एचओडीज के नीचे कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेटर के नीचे लेक्चरर्स हैं, लेक्चरर के नीचे लैब इंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की बनाने का फायदा ये होता है कि अगर फर्ज करें एक बच्चे को किसी कोर्स में मसला आ रहा हो तो वो सीधा प्रोडक्टर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बनानी है, यूनिवर्सिटी के मामला देखने हैं। ठीक है ना। सर डिवाइड एंड कॉन्कर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, डिवाइड एंड जी कॉन्कर जी जैसे। बिल्कुल, इसी तरह से बिल्कुल कि हम उस चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, बट ये डिवाइड और कॉन्कर उस तरह से नहीं है। असल में हम असल में क्या करते हैं, हम असल में मॉड्यूल बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। अब मॉड्यूल बनाने की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो फंक्शंस क्या थे? फंक्शन भी तो यही थे। फंक्शन में भी तो हम छोटे छोटे टुकड़े करते थे ना, जब हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल या जो बेसिक प्रोग्रामिंग के कोर्स पढ़े हैं उसमें भी तो हम यही करते थे कि हम छोटे छोटे फंक्शन बनाते थे। तो असल में जो मेन डिफरेंस, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज करें हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर कोई मल्टीपल फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन आपको अगर आपने तरीके से सीखे हों, तो फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उसमें हम एक फंक्शन बनाया, उसमें अगर कोई ऐसा बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क हो रहा है उसके लिए हम अलग फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर कोई मसला हो रहा है तो उसके अंदर, और मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जब तक कम नहीं हो जाती ना तब तक हम फंक्शन बनाते रहते हैं। अब फर्ज करें इस तरह से हमने कोई चार फंक्शन बना लिए हैं, एक दूसरे में कॉल हो रहा है, दूसरा तीसरे में कॉल हो रहा है, तीसरा चौथे में कॉल हो रहा है। अब फर्ज करें हमने एक वैल्यू को चेंज करना है। मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू लेट सपोज 5 है। अब 5 को हमने चेंज करना है। अब मसला ये होगा कि हमें, अब फर्ज करें जो आखिरी वाला फंक्शन है वो पहले वाले फंक्शन पे डिपेंडेंट है और वो उस 5 वैल्यू पे डिपेंडेंट है, तो फिर हमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज की ना,
पहले वाले फंक्शन में, तो मुझे नीचे तक उसका इफेक्ट आएगा। अब उस इफेक्ट को कैटर करने के लिए मुझे कोडिंग में चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये सारा काम खराब हो जाएगा। ये तो कोई तरीका ही नहीं है किसी कोडिंग करने का या कोई प्रोग्राम करने का। मतलब आपको जब मैं कहूँ कि यार मुझे जो है ना ये सॉफ्टवेयर मैंने बनवाया था उसमें ये जो चीज़ है ना मैंने सही नहीं बनवाई है आपसे, तो बजाय इसके कि आप पूरा कोड शुरू से लिखें, एक तरीका ये है कि आप सिर्फ वो पर्टिकुलर मॉड्यूल जो आपका जो गलत लिखा है या जो सही तरीके से नहीं लिखा हुआ, आप वो सही तरीके से लिखें, ठीक है। अब इस चीज़ को कैटर करने के लिए, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए होता क्या है, होता ये है कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है, हम छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। हम पहले पहले एक मैप बनाते हैं पूरा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि यार आप घर बनाना शुरू कर दें, एक तरीका ये है कि आप चुप करके कहें कि अच्छा इधर कमरा बना दें, इधर एक और चीज़ बना दें। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप उसका मैप बनाएं, चीज़ों को सोचें, फिर आप कमरा बना लिया, अब कमरा एक अलग सेक्टर है, दूसरा कमरा दूसरा एक अलग सेक्टर है, ये छोटे छोटे मॉड्यूल बना दिए, फिर हर कमरे की अलग सेटिंग सोचनी है हमने, ठीक है। हर चीज़ दूसरे से इनडिपेंडेंट है। अब मैंने आपको एक फिर मिसाल दिया था कि आप यूनिवर्सिटी का मिसाल ले लें, यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी आपको एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। अब वो मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए एक तरीका ये है कि आप फाइलिंग वाइलिंग आपने पढ़ी हुई है, स्ट्रक्चर भी पढ़ी हुई है, आप चुप करके वो उठाएं और टक टक करके प्रोग्रामिंग शुरू कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले पहले एक मॉडल बनाएं कि यार यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनका क्या रिलेशनशिप है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है कि आप सबसे पहले पहले उसमें ऑब्जेक्ट देखें। जब सारे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम किसे कह रहे हैं, मॉड्यूल को, छोटे छोटे टुकड़ों को, फिर इन मॉड्यूल के दरमियान आपस में रिलेशनशिप देखें। जब वो रिलेशनशिप निकल आएंगे तो उससे मॉडल क्रिएट होगा, एक बड़ा सा मॉडल क्रिएट होगा। मैं आपको इधर एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ कि किस तरह का मॉडल दिखने में आता है। ये क्लास डायग्राम्स होती हैं। अब ये देखें, ये एक मॉडल है, ठीक है। अब ये एक पूरा सिस्टम, बैंक का सिस्टम है, उसमें बैंक, कस्टमर अकाउंट, एटीएम, एटीएम ट्रांजिशन, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, तो ये सारे क्या हैं। ये एक तरीका ये है कि अगर मैं आपको बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए दे दूं, आप चुप करके कोडिंग करना शुरू कर देंगे, फाइलिंग वाइलिंग ये वो सारी चीज़ें। दूसरा तरीका ये है कि मैं उसको टुकड़ों में बांटूं कि यार बैंक के अंदर कौन कौन से जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट्स या मॉड्यूल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। हम सबसे पहले पहले क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आपने मुझे एग्जांपल दी थी कि सर टीचर उसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है। पहली पहली बात कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कि टेंजिबल भी हो सकती है, जो कि इनटेंजिबल भी हो सकती है। मतलब क्या कि जो फिजिकली एग्जिस्ट भी कर सकती है और फिजिकली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती। टीचर फिजिकली एग्जिस्ट कर सकता है, टेम्परेचर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। पहले मैं आपको थोड़ा ऑब्जेक्ट क्लियर कर दूं कि ऑब्जेक्ट होता क्या। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऐसी चीज जिसका नाम हो, जिसकी कोई अपनी प्रॉपर्टीज हो, एट्रीब्यूट्स हो, और जिसके कोई फंक्शनैलिटी हो। अब टीचर है, उसकी उसका नाम है, मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरी एट्रीब्यूट्स क्या है, मेरे एट्रीब्यूट्स नाम, एज, जेंडर, सैलरी, डेजिग्नेशन, ये सारे क्या है, मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। और मेरी कुछ फंक्शनैलिटी है, मेरी फंक्शनैलिटी क्या है, मेरी फंक्शनैलिटी है कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं चेकिंग करता हूँ आपके पेपर्स की, मैं उसके अलावा प्रिपरेशन करता हूँ लेक्चर्स की, ठीक है, मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ, ये सारी चीज़ें क्या है। उसके बाद मैं सैलरी विड्रॉ करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन के थोड़े से काम करता हूँ, फोल्डर आपके लिए मैनेज करता हूँ, अच्छी सी को दिखाना होता है, इस टाइप की चीज़ें मैं करता होता हूँ, ठीक है। तो ये सारी क्या है, तो एक आपका जब सिस्टम एक आपको मिलता है ना, आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे, तो आप उसमें सबसे पहले पहले ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। इससे बनेगा, जैसे ये मॉडल बना हुआ ना, इससे एक ऐसा मॉडल बनेगा, फिर आप प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, पहले जो है ना गो में मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं, जाहिर सी बात है, ये सिखाऊंगा कि मॉडल कैसे बनाते हैं ये चीज़ें, बट अभी सिर्फ आपने फोकस करना है ऑब्जेक्ट्स पे। ये जो एक पीस है ना, ये आपको जो रेक्टेंगल दिखने में आ रहा है, हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट होता क्या है, पहले ऑब्जेक्ट सीखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आएंगे, ठीक है ना। पहले हम ऑब्जेक्ट सीखने की ट्राई करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको कोई और मिसाल दूं कि जैसे बैंक का मिसाल है, बैंक का मिसाल में इसमें एक बैंक सिस्टम बनाना है, तो उसमें अकाउंट्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो इसने दो, एक इसने अकाउंट बनाया है करंट अकाउंट, एक इसने सेविंग अकाउंट बनाया है, इस तरह से एक अकाउंट की क्लास बनाई है। अब ये अलग अलग क्यों बनाई है, इसकी एक वजह है, पर वो आपको बाद में समझ में आएगी। अच्छा, फिर उसने एटीएम की क्लास बनाई है,
कस्टमर की क्लास बनाई है, तो इस तरह से फर्ज करें आपकी कुछ रिक्वायरमेंट और हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से कल मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि आप कहें सर वो टेबल जो पड़ी होती है वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एट्रीब्यूट होती है, टेबल की साइज होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, एरिया होता है, तो ये भी तो एक वो है। बट आपको मैंने ये बात बताई थी ऑब्जेक्ट्स पर, रिलेवेंट ऑब्जेक्ट, मतलब यूसीपी का अगर मैं पोर्टल बनाऊंगा तो उसमें मुझे ये चेक रखने की जरूरत नहीं है कि यूसीपी के क्लास के अंदर कुर्सियां जो हैं वो किस क्वालिटी की हैं, ठीक है ना, या कितनी साइज की हैं, तो उसको मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि आपके ऑब्जेक्ट्स का आपके उस पर्सपेक्टिव से, आपके उस सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग सिस्टम के रिकॉर्डिंग रिलेवेंसी बिल्कुल जरूरी है, ठीक है ना, या रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो देखा जा सकता है। अच्छा, अब खैर वो ऑब्जेक्ट्स ढूंढना छूंढना तो वो बाद में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हमने कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बनाना है, बट आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये स्लाइड्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये असल में मेरी ऊब की स्लाइड है, मैंने इसलिए नाम इसका चेंज नहीं किया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं शायद ऊब के लिए अलग स्लाइडें बनाई है, ये मेरी पुरानी स्लाइड ही है। इसमें कुछ ऐसा, ये प्रोसीजरल और नॉर्मल ऊब में फ़र्क क्या है ये मैंने अभी बताया आपको, वही लिखा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कुछ ये ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक घर है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके घर का क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, घर के साइज कितनी है, ठीक है ना, उसके बाद और घर की क्या प्रॉपर्टीज हो रूम्स सकती कितने हैं, हैं, रूम्स कितने जी हैं, रूम रूम्स कितने कितने हैं, हैं, एरिया बिल्कुल कितने एरिया पे है, ठीक है। खिड़की अंदर तो कौन पर्सन से। है, पर्सन के भी एट्रीब्यूट्स हैं, ट्री के भी एट्रीब्यूट्स हैं, कार के भी एट्रीब्यूट्स हैं, काफी सारी चीजों के एट्रीब्यूट्स हैं और फंक्शनलिटी भी है। ये और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये स्कूल सिस्टम है, उसमें बैग भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, पेन भी हो सकती है, झूले अगर लगे हों, जो कि यूसीपी में तो नहीं लगे होंगे जाहिर सी बात है क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, तो या जो पेरेंट्स छोड़ने आते हैं वो भी जो है वो उसका हिस्सा है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का। तो खैर क्लासरूम है और लाइब्रेरी है, तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। ऊब का मतलब क्या है आपको मैंने बताया कि हम ऑब्जेक्ट्स रियल लाइफ में हमें ऑब्जेक्ट्स दिखने में आते हैं, बंदे दिखने में आते हैं, उनके बिहेवियर्स होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनका नाम होता है कोई पर्टिकुलर। तो हम असल में अपने सिस्टम को जो अब हम असल में करना ये चाह रहे हैं कि हम अपने जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, असल में हम पढ़ क्यों रहे हैं सीएस, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम मिलेगा, प्रॉब्लम से मुराद है कि हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा जाएगा और हम उसको बनाएंगे, तो वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या कोई हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है कि हम हर चीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ें अगर आपको एक ही दिन में हजम हो जाएं तो फिर आप मेरी जगह पे आ जाएं और मैं आपकी जगह पे आ जाऊं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, अभी आपको ये चीज़ें हजम होने में टाइम लगेगा, ठीक है। बट आपको फिलहाल आपको समझ में जो आना चाहिए ना वो ये है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आपस में फिर रिलेशनशिप बनते हैं, जैसे अली है उसका रिलेशनशिप हाउस से क्या बन सकता है कि अली हाउस में रहता है, अली कार को ड्राइव करता है, फिर इस ट्री के साथ वैसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, वैसे बना भी सकते हैं कि इससे ऑक्सीजन लेता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट का आपस में फिर इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होने के बाद जो मैंने आपको डायग्राम इस तरह से दिखाई, डायग्राम होती है ये सारे ना सिंबल्स हैं इंटरेक्शन के, इनके एक पर्टिकुलर मतलब होते हैं, वो बाद में देखेंगे कि ये मतलब क्या है इनके, ठीक है। सर वो तो सॉरी जी आपकी जी बात काट रहा हूँ, थर्ड स्टेप क्या होगा, जैसे आपने बताया ना पहले आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, फिर उनके दरम्यान का रिलेशन देखते हैं। फिर नहीं, पहले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और फंक्शनलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर ठीक है रिलेशनशिप निकालते हैं आपस में। रिलेशनशिप ये सर में ना मैं आपको सारे स्टेप करवाऊंगा, अभी जाहिर सी बात है ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये अभी आपने हार्ड एंड फास्ट कोई रटार नहीं लगाना इस पे कि ये ऐसे ऐसे प्रोसेस हैं, बट अभी आपने जहन में रखना है कि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आगे बताई जाएंगी। आपको मैं सर में बता रहा हूँ कि हम अब मैं आपको सर जो फोकस करवाऊंगा ना वो सारा करवाऊंगा ऑब्जेक्ट्स पे, तो आपको पता तो होना कि ऑब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जाके हमने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। और ये मॉडल क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें हम छोटे छोटे मॉड्यूल बनाना चाह रहे हैं, और मॉड्यूल क्यों बनाना चाह रहे हैं कि हर चीज़ इंडिपेंडेंटली हल हो, किसी का कोई चीज़ किसी चीज़ से कोई ताल्लुक ना हो, ताकि हमारी कोड में रीयूजेबिलिटी जो है वो आ जाए और हमारी कोड की डुप्लीकेशन कम हो जाए, ठीक है, चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। कैसे होगा अभी आप देखेंगे कि कैसे होगा उसको, ठीक है। अच्छा, तो खैर ये चीज़ें हैं, उसके अलावा ये भी एक एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्ट का मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट इनटेंजिबल टेंजिबल भी होते हैं, टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में है, उसका यूनिट क्या है, ठीक है, तो और टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, वो किसी को होता है,
ठीक है, वो ज्यादा होता है या तेज होता है, शिद्दत कितनी है उसकी। तो खैर कहने का मतलब ये कुछ चीजें हैं जो रियली में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ चीजें नहीं करती। अच्छा, अब सबसे पहली पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यार ये जो ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है ये प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो बातें होगी ना कि अली है, फलां है, ये है, वो है, स्कूल है, तो अब इसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसको क्लास के थ्रू करते हैं इम्प्लीमेंट। क्लास क्या है मैं अभी डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ऊप एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि यार ऊप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये गलत है। ऊप एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक जावा भी है, सी शार्प है, आपके पास पाइथन है, ठीक है, ये सारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब जावा जो है ना वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है ना, मतलब वो उसमें तो आप ऑब्जेक्ट बनाने के अलावा काम ही नहीं कर सकते ना। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप लोगों ने इस चीज पे फोकस करना है कि ये जो ऊप पढ़ रहे हैं, ऊप का मतलब सी प्लस प्लस नहीं होता। सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है जिसमें हम ऊप पढ़ेंगे, बट ऊप जो है वो जावा में भी पढ़ी जा सकती है। ऊप के अब मैं जो कॉन्सेप्ट फर्ज करें, कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जावा में भी है, इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में भी है और पाइथन में भी है। बट फर्क क्या होगा, फर्क सिर्फ ये होगा कि उसमें सेंटेक्स कुछ और होगा, उसमें कुछ सेंटेक्स और होगा, बस और कोई फर्क नहीं। अगर आप में से किसी ने किसी और लैंग्वेज पे कभी काम किया हो, या अगर आप कभी देखें फॉर लूप पाइथन में कैसे लगता है, तो थोड़ा सा ही फर्क होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस सेंटेक्स का फर्क होता है, ठीक है ना। ये सी प्लस प्लस में क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं। जी, ये सी प्लस प्लस में ना क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। वैसे जावा में भी, जावा में, सी शार्प में भी क्लासेस के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होता है, बट उसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, सर बिफोर मैंने स्टार्टिंग, पाइथन भी पढ़ा, जी जी उसमें वैसे बेसिकली अरे तो नहीं बनती होती किसमें पाइथन में। यार, उधर वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। मैं लिख बहरहाल सर ये सर उसमें पाइथन का तो जो है लिस्ट होती है डिक्शन। वो, जी वो असल में वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। पाइथन और मैटलैब में वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। बहरहाल हम उस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाह रहे, मैं एक एग्जांपल दे रहा था, इट्स ओके। मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा था। अभी मैं ना आपको पाइथन पे जो है वो कोई चीज़ें करवाने लगा हूँ, ना आप लोग को जो है इसके कोर्स में है, तो फिलहाल पाइथन को भूल जाएं, फिलहाल हम सी प्लस प्लस की बात ही करते हैं। अच्छा, आप में से सब लोगों ने स्ट्रक्ट तो पढ़ी होगी, स्ट्रक्चर आपने सी प्लस प्लस में पढ़ी होगी। कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है कि मैंने स्ट्रक्ट नहीं पढ़ी हुई कभी? मतलब मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने लगा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि यार स्ट्रक्ट नाम की कोई चीज सर हमने सुनी है। आइडिया इतनी हमें नहीं कराई गई थी, हाँ, लास्ट जाहिर में सी भी बात की है, है। मैं मैं जब अब सर ने कराई आपसे, थी सर ने मना करा दी थी कि सर ने कहा था नहीं ये मैं लास्ट में। ठीक हो गया, सॉरी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इधर बैठ के मुझे कोई बड़े बड़े हैवी किस्म के प्रोग्राम मुझे करके दें, तो आप उससे डरे ना। मैं सिर्फ आपसे पूछना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अगर आइडिया होगा ना तो फिर मैं अभी जो चीज़ पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगी इजीली। तो पहले जो ना हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो प्रोग्रामिंग में जब भी ऑब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना तो एक घिसा पिटा एग्जाम्पल जो है वो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, और वो है एक हम बॉक्स की क्लास बनाते हैं, एक बॉक्स की क्लास बनाते हैं। तो बॉक्स की क्लास बनाने से पहले ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्लास बनाते कैसे हैं और उसका बनाने का फायदा क्या है। तो उस चीज को दिखाने के लिए मैं आपको एक सबसे पहले पहले एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ बॉक्स की। अगर हम बॉक्स की स्ट्रक्ट बनाए, लेट सपोज मैं स्टूडेंट की स्ट्रक्ट बनाता हूँ, तो उसमें क्या क्या होता है कोई बता सकता है? स्टूडेंट की अगर स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, ठीक है, स्ट्रक्ट लिखा, स्ट्रक्ट उसके बाद लिखा मैंने स्टूडेंट, तो क्या होगा उसमें कोई बता सकता है? नेम, स्टूडेंट डेट, नेम, क्लास, अच्छा, बर्थडे, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम हो गया, सेक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सेमेस्टर गया, वगैरह। ठीक हो गया, सही है। और उसके वेरिएबल बनेंगे, ऐसे ही होगा स्ट्रक्ट का? जी सर। यही चीज जो है ना, मैं इधर आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, इंटर मेन, अच्छा जी। और हम क्या करते हैं, एक बॉक्स क्लास का जो है ना वो स्ट्रक्ट बनाते हैं, एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्ट बॉक्स, और उसके अंदर हम क्या रखते हैं, बॉक्स के अंदर क्या होता है यार, बॉक्स के अंदर क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं बॉक्स के, सर पता? लेंथ, जी बिल्कुल, लेंथ, वेथ, हाइट, लेंथ लेंथ और हो गई, एरिया, पेरीमीटर, लेंथ और लेंथ एरिया, हो गई, उसके बाद फ्लोर में विड्थ हो गई, और फ्लोर हाइट, में हाइट हाइट। हो गई, ठीक है, चलें ये तीन कर लेते हैं फिलहाल।
इधर आप मुझे बता सकते हैं कि इधर मैं इसको 5 दे सकता हूं ऐसे? नहीं सर, क्यों नहीं, मतलब इधर हम दे क्यों नहीं सकते, कि कोई वजह है बता सकते हैं आप? मतलब आपको क्या लगता है कि इधर इधर अलो क्यों नहीं है, इधर अलो क्यों नहीं हो, क्यों नहीं है? अच्छा, इधर अलो इसलिए नहीं है क्योंकि हम असल में एक स्ट्रक्ट का मतलब होता है कि हम अपना एक डेटा टाइप बना रहे हैं। तो जब हम अपना डेटा टाइप बना रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा कि अगर आप एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं इंट ए, तो ऑटोमेटिकली ए में 5 पड़ा हो, तो ये क्या बात हुई? ए में तो अभी ए तो एक जनरल वेरिएबल है ना, ठीक है ना? ये तो ऐसे ही है कि मतलब आप वॉशिंग मशीन ले रहे हैं और कपड़े उसमें पहले से पड़े हुए हैं, वैसे ये तो फेवर होगा, बट ऐसी बात है, वो एक जेनरिक चीज़ है, आपकी मर्जी, आप जैसे यूज करें उसको। तो जब भी आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है वो ये तो नहीं कहते, अच्छा ये पंखा जो आपने चलाना है ना वो आपने एसी पे नहीं चलाना, वो हमें डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो हमारी मर्जी है कि हम उसको जैसे भी चलाएं, जिस तरह से चलाएं। इसी तरह से एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम 5 स्टोर नहीं कर सकते अपने से, या लेंथ है ना उसके अंदर 5 स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फिर जेनरिक चीज़ ना हुई ना, डेटा टाइप का मतलब है कि जेनरिक चीज़ है, ठीक है ना, उसमें अभी कुछ भी नहीं पड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे 5 जो है ना उसको नहीं होना चाहिए था, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते थे कि मेन के अंदर बनाते थे स्ट्रक्ट को, इधर सेमीकोलन लगाते थे एंड पे। अच्छा, एक तो आप जो हम उधर भी बना सकते हैं, दूसरा हम इधर बना देते हैं, चलें बॉक्स, और इसका नाम रखते हैं B1, ठीक है? सबसे पहले पहले हम इनपुट लेते हैं यूजर से कि भाई एंटर कर दे तू, एंटर लेंथ विड्थ एंड हाइट, ठीक हो गया। उसके बाद सीन करवाते हैं हम, क्या करवाते हैं सीन में, सीन में अच्छा एक ये प्रोजेक्ट खुल गया तो उसको का फायदा ले लेते हैं इसका, एक C++ विजुअल स्टूडियो, कोई है बच्चा जिसको विजुअल स्टूडियो यूज करना नहीं आता? सर मेरा इशू चल, आपका इशू क्या है सर? वो बीच में बार बार क्लोज हो जाते हैं, मैंने इंस्टॉल कर भी किया था, विंडोज क्रैश हुई थी, उसके बाद जब दोबारा इंस्टॉल किया ना, वो फिर हम अलग से बिल्कुल इसके बाद क्लास के बाद मैं आपसे एक दफा शॉर्ट आउट करा दूंगा, ठीक है? क्लास के बाद वैसे ना खाने का टाइम होता है, तो खाना खा के फिर मैं तेरे मसला देख सर, उसके बाद मेरी भी क्लास है, उसके बाद इसके बाद डायरेक्टली क्लास है, उसके बाद मैं आपको मैसेज कर दूंगा। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नंबर भी पड़ा होगा तुम्हारा। अच्छा, अब ये जो है ना C++ पे हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट का इसमें ऑप्शन है नहीं है, Win32 प्रोजेक्ट बना लेते हैं, चलें एम्प्टी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, एम्प्टी प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ये एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे विजुअल स्टूडियो में एक, और एक CPP फाइल बना लेते हैं ताकि उसमें हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें अपनी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेस्ट अंडरस्कोर क्लास, ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है जी, हो गई ऐड। अब इसको करते हैं इसमें कॉपी पेस्ट, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इनपुट लेते हैं, B1 डॉट लिखा तो ऑटोमेटिकली लेंथ को आ जाना चाहिए था, वैसे आया ही नहीं है लेंथ, आ जाएगी शायद, जी B1 डॉट लेंथ, उसके बाद B1 डॉट हाइट, उसके बाद विड्थ लेनी है, और उसके बाद B1 क्यों लिख रहे हैं, B1 ये विड्थ और लेंथ जो ना इधर हमने डिक्लेयर नहीं किए इस मेन में, ये ऊपर डिक्लेयर हुए हुए हैं, तो ये असल में बॉक्स के अंदर हैं। तो हमने क्या किया है, बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके थ्रू उसको यूज कर रहे हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? सर, ये जो ऊपर आपने स्ट्रक्ट बॉक्स बनाया है, इसमें जो ये स्ट्रक्ट बनाया है, इसमें हम वैल्यू भी क्यों नहीं दे सकते? बेटा वैल्यू आप देखे ना, आप मैं मिसाल दे रहा था कि ये बॉक्स है ना, बॉक्स, ये बॉक्स हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया डेटा टाइप बना रहे हैं। C++ में बॉक्स पहले तो नहीं लिखा हुआ, जैसे स्ट्रिंग है या इंटीजर है या फ्लोट है, ये तो पहले लिखे हुए हैं ना, पहले C++ में पड़े हुए हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं,
बट बॉक्स की बॉक्स का डेटा टाइप आपने कभी सुना है कि बॉक्स का डेटा टाइप पढ़ा हो? नहीं नहीं पढ़ा होगा। इसी तरह से स्टूडेंट या आपके नाम का मैं कोई डेटा टाइप बना दूं, ठीक है, या मैं अपने नाम का सुनील नाम का कोई डेटा टाइप बना दूं, अब आपको थोड़ी पता होगा कि उसमें क्या पड़ा हुआ है और वो कैसे बनता है। तो होता यह है कि हमने ये बॉक्स का स्ट्रक्ट बनाया हुआ है और इसके अंदर अगर हम वैल्यू दे देंगे ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले से इसको बता दिया है कि इसकी ये वैल्यू है। तो आपने कभी देखा है कि इंटीजर आपने डिक्लेयर किया हो और आपने लिखा हो इंट ए और ए में ऑटोमेटिकली 5 पड़ा हो? ए में कभी भी 5 नहीं हो सकता, ए में गार्बेज पड़ा हो सकता है। गार्बेज का मतलब है कि वो कुछ भी हो सकता है, 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ और भी वैल्यू हो सकती है। गार्बेज का मतलब है मेमोरी में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो उठा देगा, ठीक है। तो जो वेरिएबल का जो जो है ना फितरत है, जो हम कहेंगे जिसको, तो वेरिएबल की फितरत ही यही है कि जब वो डिक्लेयर हो ना तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब हमने लिखा ना B1, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है कि एक मेमोरी बनेगी जिसके अंदर 3 फ्लोट वैल्यू पड़ी होंगी, एक लेंथ की, एक विड्थ की, एक हाइट की, और इन तीनों के अंदर क्या पड़ा होगा? गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। और ऐसे होना चाहिए। अगर इसके अंदर ये अलो होता ना 5, तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमेशा 5 पड़ा होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने 5 रखा ही नहीं है, फिर कैसे हो इसमें पड़ा हुआ है? ये तो गलत बात है ना कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें पहले से 5 पड़ा हुआ है, तो ये तो गलत है। तो हम जब भी एक बनाते हैं ना वेरिएबल, ठीक है ना, ये वैसे ही है कि आप किसी को कहेंगे यार मुझे घर बना के दें और वो घर बना के दे रहा है और कहता है कि इसमें ये बंदे रह सकते हैं, तो ये क्या बात हुई? नोबडी कैन डिक्टेट यू, ठीक है। ये आपका घर है, जेनरिक है, जो उसमें रहना चाहे जिस तरह से रहना चाहे उसकी मर्जी है, ठीक है। तो आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो आप उसमें वेरिएबल के अंदर पहले से वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है ना, उसमें वैल्यू गार्बेज होनी चाहिए। अब उसके बाद यूजर की मर्जी है, उसमें जो भी एंट्री करना चाहे वो करे, ठीक है ना। अब उसने एंट्री जो सीन से करवाई होगी वो कर ली होगी। अच्छा, उसके बाद हम एक और बना देते हैं फ्लोट, और इसका नाम रखते हैं एरिया, और उसमें लिखते हैं B1 लेंथ मल्टीप्लाई बाय B1 हाइट कर देते, चले विड्थ कर देते हैं, और इसको करते हैं सी आउट, और सी आउट एरिया इज, ठीक है, और इधर लिख देते हैं रिटर्न 0, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको चलाते हैं कि देखते हैं कि ये क्या करता है। पूर्ण करना तो यही चाहिए कि इसको चलना चाहिए और लेंथ विड्थ हाइट लेनी चाहिए और उसके बाद एरिया शो करना चाहिए आपको, ठीक है। देखते हैं क्या करता है ये। तो ये पहली दफा बिल्ड हो रहा है तो होने दे। अच्छा जी, लेंथ हमने 10 10 और 10 एंटर किए क्योंकि मैंने इधर कुछ लगाया नहीं है, इधर सिस्टम पास करके मैं इसको बंद कर देता हूँ। वैसे इसका एक और तरीका है Ctrl F5 करके, अब पता नहीं इसे चलता है या नहीं चलता, मैं एक मिनट चला के देखता हूँ, अगर बस में चल जाता है तो 10 10 10, नहीं नहीं रुकता, तो खैर सिस्टम पास लगा लेते हैं फिलहाल ना। इसका एक और अल्टरनेटिव तरीका है, वो मुझे जहन से निकल गया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। सिस्टम पास क्या करता है, इसको पकड़ के रखेगा एक जगह पे, इसको बंद नहीं होने देगा। 10 10 और 10, ठीक है। एरिया इज 100, ठीक है, ये इसका आउटपुट आया। तो हमने किया क्या है, हमने एक डेटा टाइप बनाया अपना और उस डेटा टाइप को हमने यूज किया है, बस सिर्फ यूज किया है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई मसला आ रहा हो, तो प्लीज आस्क मी, इसमें कोई भी मसला आ रहा हो किसी को भी कि ये क्या किया मैंने। शाबाश, हमारी सारी क्लास जो है वो डिस्कशन बेस होगी, आप लोग बीच में सवाल भी सर अभी पूछेंगे। इसमें हाँ, हाइट का कोई काम, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ सर, हाइट का अभी काम तो अभी नहीं यूज अभी नहीं होना वैसे, नहीं जी, मतलब अभी वैसे काम नहीं है, अभी इनपुट काम रही नहीं है। अभी, ठीक हाँ बिल्कुल सही है, अभी असल में काम नहीं है, असल में वॉल्यूम जब निकालेंगे ना तो उसमें काम आ जाएगा। असल में ना ठीक अभी है इसके बाद मैं कन्वर्जन करूंगा इसकी क्लास में ना, तो आपको उधर इसका काम दिखने में आएगा। अच्छा जी, ओके अभी सर। मुझे बताएं कि इसमें कोई मसले मसाइल कोई सही है, वो मुश्किल नीचे किधर हाइट का 1 कर लें, जो नीचे L है वो भी ठीक कर लें, स्पेलिंग ऊपर और नीचे सेम, वो नीचे CN में भी हाइट जो है ना, हाइट 1 नहीं, हाइट L नहीं, हाइट नहीं, ठीक है, स्पेलिंग इसके अलावा कोई वो मसला? उस ये वैसे ही है सर, ग्रामेटिकल ठीक ग्रामेटिकल वैसे के ठीक है, अलावा वो ठीक मसला? वैसे ठीक है, वैसे ठीक, वैसे ठीक है। अच्छा, वैसे ठीक है, इसके अलावा कोई बात नहीं। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में एक मसला है। मसला ये है कि अगर फर्ज करो यूजर ने हाइट दे दी है, मिसाल के तौर पे आप एक बैंक अकाउंट की क्लास बना रहे थे,
और या बॉक्स की चलें ठीक है, इसी को ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे सामने है। अब यूजर अगर लेंथ दे रहा है माइनस में, तो माइनस में उसको लेंथ लेनी नहीं चाहिए कि माइनस में कभी लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में हाँ, तो उस केस में हमें ना वो इनपुट ही नहीं लेनी चाहिए थी, ठीक है, या तो उसको पॉजिटिव कर देना चाहिए था। अब ये ख्याल जो ना हम इधर नहीं रख सकते, ठीक है ना, हमने जो इनपुट किया हमारे यूजर पे थोड़ी हमारा जोर चलता है, यूजर की मर्जी है। जैसे आप एटीएम पे जाते हो, वहां पे उसने कहा है कि आपने सिर्फ 4 डिजिट एंटर करने हैं, फिर भी आप कहते हैं ना कभी कभी चलो यार एक और एंटर करके देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। या हम शुगल करते हैं ना हर जगह, जहां भी एम्पोरियम जाते हैं वहां पे वो जो LCD लगी हुई है आजकल, वो मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है, उसको दबाते रहते हैं कि पता नहीं देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो आपको पता है हमारी आवाम तो इस टाइप की है, तो कैसे जो है वो डेवलपर जो है उसको टैकल करेगा? आप हल बता सकते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है कि हम लेंथ विड्थ और हाइट को जो है ना वो एंटर ना होने दें नेगेटिव में, क्या कर सकते हैं ऐसा? जी बिल्कुल, हमें 3 अलग अलग इफ लगाने पड़ेंगे, एक लेंथ के लिए, एक विड्थ के लिए और एक हाइट के लिए, कि अगर यूजर ने नेगेटिव में दिया है तो उसको पॉजिटिव में कर दो। पॉजिटिव में कैसे करेंगे? -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, अब असल में एक तो ये मसला है, दूसरा ये है कि अच्छा इस मसले को एक और तरीके से भी हल किया जा सकता है, ठीक है, वो कैसे है वो भी अभी देखते हैं। दूसरा असल में ये है कि अब इसमें मुझे एरिया का, आवाज कट रही है मेरी आज जो है ना, वैसे मैं यूनिवर्सिटी के पीसी से जो है वो कनेक्टेड हूँ, आज इंटरनेट तो इनका वैसे अच्छा है, आज कटनी नहीं चाहिए आवाज सर। अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही। अच्छा, अब आ रही, ठीक हो गया। अच्छा, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, अच्छा, अब अगर तो मैं एक और चीज आप यहाँ पे देखें कि मुझे एरिया वॉल्यूम जो है वो सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा इधर अलग से, फिर यार आवाज बाकियों के पास भी लैग कर रही है, सिर्फ इसके पास लैग कर रही है? नहीं सर, ठीक है आ रही सर, ठीक आ रही है यार, तो ठीक आ रही है। तेरा जो है ना इंटरनेट तो अच्छा, सॉरी सर, मैं चेक कर लूं, मैं चेक कर। अच्छा ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है, वैसे रिपीट कर देंगे कोई ऐसी बात होगी तो, ठीक है। अच्छा खैर, तो मैं बात ये कर रहा था कि एक मसला है कि हम ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इस पे डायरेक्ट एक्सेस यूजर की नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सेस से मुराद क्या है कि यार यूजर की मर्जी है यूजर नेगेटिव में एंटर करे, वरना फिर हमें जो है ना, सर आपकी बात काट रहा हूं सर, मेरा ना इंटरनेट बंद हो गया था सर, ये स्ट्रक्चर बॉक्स की समझ नहीं आई। किस चीज की? ये स्ट्रक्चर बॉक्स जो आपने ऊपर बनाया, आपने स्ट्रक्ट पढ़ी हुई है? स्ट्रक्ट पढ़ी हुई है आपने? नो सर, स्ट्रक्ट पढ़ी नहीं हुई? नहीं सर। ये कैसे हो सकता है यार, आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ के नहीं आए? पढ़ी है सर। किससे पढ़ी है? शिखर मान से पढ़ी थी। तो उन्होंने स्ट्रक्ट नहीं पढ़ाया आपको? सर मैंने नहीं सर, स्ट्रक्ट सर मैंने भी नहीं पढ़ा था सर। नहीं पढ़ाते सर पीएफ के अंदर, सर ने मना करा दिया था। मैंने भी सर रबी से पढ़ी थी पीएफ, सर मैंने भी। तो यार अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि स्ट्रक्ट जो है वो आपको पता है? आप लोगों में से कोई बोला ही नहीं सर। मैंने आपको भी बताया था कि वैसे एक आइडिया, मैंने एक आपको बताया था कि आइडिया है, लेकिन इस तरह में पढ़ लिया था। आइडिया है, मैं वही बता रहा हूं आपको कि आइडिया है, और आप चलें बहरहाल स्ट्रक पे आ जाते हैं वापस। अच्छा, स्ट्रक का मतलब क्या है? स्ट्रक का मतलब है कि भाई हमने आप लोगों को लेंथ विड्थ और हाइट, आपने ये वेरिएबल, इनका तो पता है ना कि ये क्या है, ये वेरिएबल है सिंपल। अच्छा, हमने क्या करना है? हमने ना असल में एक नया डेटा टाइप बनाना है, ठीक है, हमने अपना डेटा टाइप बनाना है। मिसाल के तौर पर हम फाइलिंग यूज कर रहे हैं, आप लोग फाइलिंग यूज कर रहे हैं, और आपने ना उसमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ऐड करना है। अब एक तरीका ये है कि आप हर स्टूडेंट का जो है ना वो अलग अलग नाम लें, ठीक है, और अलग अलग जो है ना वो फर्ज करें 10 स्टूडेंट हैं तो 10 नाम की अरे बनाए, ठीक है, मतलब अरे नेम की अलग बनाए, एज की अलग बनाए, और उसके बाद CGP की अलग बनाए, ठीक है। आपको 10-10 अरे बनानी पड़ेंगी, एज की 10 अरे बनानी पड़ेंगी, नाम की 10 अरे, या 2D अरे बना देंगे, 3 अलग अलग बनेंगी। तो ये ऐसे ना हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या मतलब कि 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट के लिए आपने क्या करना है, एक मिनट में आपको एक इधर दिखाता हूँ। आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के पास क्या है, नेम है, बात फर्ज करें रोल नंबर है, उसके बाद एज है, उसके बाद उसका जो है वो CGPA है, और उसके बाद उसके पास क्या है, उसके बाद खत्म, और बस चले इतना ही है। अब ये 4 चीजें हैं, मुझे 10 स्टूडेंट मेरे पास हैं, तो अब मुझे एक 2D अरे बनानी पड़ेगी नेम की,
लेट्स सपोज बी साइज की, एक मुझे 2D array बनानी पड़ेगी रोल नंबर की, क्योंकि 10 स्टूडेंट हैं तो मुझे 10, ये 1D array में भी हो जाएगा क्योंकि रोल नंबर चले हम इंटीजर में ले लेते हैं। उसके बाद एज के लिए भी मुझे एक 1D array बनानी पड़ेगी, CGPA के लिए भी मुझे एक 1D array बनानी पड़ेगी। अब इतनी सारी array बनानी पड़ेंगी। अब स्ट्रक आपको क्या फ़ायदा देता है? स्ट्रक का मतलब ये है कि आप ऐसा ना करें, आप क्या करें, आप एक नया वेरिएबल बनाएं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से पड़ी हुई हों। वो कैसे कि आप लिखें स्ट्रक्ट, ठीक है, और लिखें स्टूडेंट, ठीक है, उसके अंदर आप क्या लिखें, आप सारी चीज़ें लिख दें, करेक्टर, पॉइंटर, नेम, बाद रोल नंबर, ये लेट सपोज इंटीजर में है, और उसके बाद जो है लेट सपोज इंटीजर में एज आ गई, और उसके बाद फ्लोट में जो है वो CGPA आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया है, आपने ये एक एक वेरिएबल इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेन के अंदर क्या करेंगे, मेन जो बनाते हैं इसका, एक मेन का बनाते हैं इंट। अब देखिए इसका क्या फायदा होता है आपको, ये क्यों बनाते होते हैं स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे मेन के अंदर, अब फर्ज करो ये स्ट्रक्ट नहीं बनाते हम, ये फर्ज करें बनाते ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये सारे अरे डिक्लेयर करने पड़ते और फाइल से उस तरह से फिर रीड करना पड़ता हमें। इस बात से तो आप एग्री है ना कि ये फाइल से अगर रीड करना हो 10 स्टूडेंट की डेटा को, तो फिर हमें इतनी सारी वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। यस सर, वो अलग अलग सारे रोल नंबर अलग नेम अलग। अब आपने ऐसा कुछ नहीं करना, अब आपने ऐसा कुछ नहीं करना, सबसे पहले फर्ज करें आपने सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा उठाना है ना, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहले आप स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे स्टूडेंट वन, ठीक है। अच्छा, फिर आप फाइल से रीड करना है, आप मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि FN वगैरह सारा डिक्लेयर हुआ हुआ है, आप लिखेंगे s1.name के बाद s2.rollNumber, सॉरी ये, और ये क्या होगा, लेट सपोज s1.age और लेट सपोज s1, ये मैं अभी बताता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया है, मैंने ये सीन करवा लिया, ये मैंने FN करवा लिया, फाइल से रीड किया है। अगर किसी को फाइल रीडिंग भूल गई है तो उसको रिवाइज थोड़ा सा कर लीजिएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। वैसे मैंने नागेश, आप जो आपके जो लैब इंस्ट्रक्टर हैं उनको कह दिया है, वो आपको फाइलिंग पे लेक्चर देंगे इस फ्राइडे को, ठीक है। टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे कल, परसों वाली जो लैब होगी उसमें डिसाइड कर लेंगे, तो नागेश आपको पॉइंटर्स पे लेक्चर देगा, ठीक है ना। तो पॉइंटर किसी को भूल गए हो तो वो लेक्चर ज़रूर आपने लेना है, ठीक है ना। अच्छा ओके, अब ये मैं फाइल से रीड कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं इनपुट ले रहा हूँ, चले मैं इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से मिसाल के तौर पर। अब ये क्या है, ये मैं एक पूरे स्टूडेंट का डेटा सारा रीड कर लिया है। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे स्टूडेंट वन जो आपने लिया है उसका नाम चाहिए, आप लिखेंगे s1.name, ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, और आपने उसको सी आउट करना है। अब ये तो आप कहेंगे सर इससे अच्छा है तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते, आप चार वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते, नेम, एज, रोल नंबर और CGPA। अब इसका फायदा मैं दिखाता हूँ आपको। अब आपके पास 10 स्टूडेंट थे ना, आप क्या लिखें, यहाँ पे लिखें 10, ठीक है, और आप क्या करें, आप यहाँ पे एक लूप लगाएं, फॉर लूप, लेट सपोज int i is equal to 0 और int i less than let's suppose 10 है। वैसे जो अरे जब भी बनाते हैं तो उसको आपको इस तरह से बनानी चाहिए, int const int, इसका पता है, constant का पता है किसी को कि constant क्या होती है? सर वो मेमोरी चेंज नहीं करता इसकी वजह से। कांस्टेंट का मतलब है कि हम इस साइज की वैल्यू को अब चेंज नहीं कर सकते, मतलब मैं अगर साइज की वैल्यू में अगर लिखूं ना फिर से 9 तो ये एरर देगा कि साइज, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको पता है कि अरे की जो साइज होती है वो हमेशा फिक्स होती है, ठीक है, डायनामिक अरे की चेंज हो सकती है, इसकी फिक्स होती है, ठीक है। अच्छा, अगर ये किसी को समझ में नहीं आई तो मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूँ, एवं कंफ्यूज हो जाए फजूल में, मैं इसको एंड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आई में प्लस प्लस कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या होगा, अब मुझे फायदा ये होगा कि मैं सिर्फ इधर लिखूंगा अरे ऑफ s ऑफ i,
और इधर भी लिखूंगा एस ऑफ आई, इधर भी लिखूंगा एस ऑफ आई और इधर भी लिखूंगा एस ऑफ आई। अब ये ऑटोमेटिकली या तो ये एफ इन करवा रहे हैं या सीन करवा रहे हैं, लेट्स सपोज फाइल से रीड कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली 10 स्टूडेंट के नाम, ये देखें दो लाइनों में ये पूरा प्रोग्राम हो गया और ना हमें इतने अरेज बनाने पड़े, क्योंकि अब ये अलग अलग अरे बनाने के हैंडल करना बहुत मुश्किल है। अगर ये तो चार एट्रीब्यूट है ना, अगर फर्ज करें एक स्टूडेंट की कोई हम 10-12 एट्रीब्यूट बनाए तो हमें 10-12 अलग अलग वेरिएबल को हैंडल करना पड़ता। जी जी सर, आपने एक ये जो स्टूडेंट के बाद S1 की जगह उस S10 किया है, वो जो ये तो अरे बनाई है ना, ये तो अरे है, ये तो अरे बनाई है ना मैंने, ये आपने अरे तो बनाई होगी ना। जैसे मैं अगर इंटीजर अरे बनाऊं तो कैसे लिखूंगा, इंट S10 लिखूंगा ना। यस, अब मैंने क्या किया है, मैंने स्ट्रक्ट की अरे बनाई है। ये जो स्ट्रक्ट बनाया है ना, ये मैंने अपना डेटा टाइप बनाया। स्ट्रक्ट का मतलब क्या है, स्ट्रक्ट का मतलब है कि अपना डेटा टाइप बनाना, ठीक है, अपना डेटा टाइप बनाना। ये मैंने क्या किया है, अपना डेटा टाइप बनाया, ठीक है। अब जब मैं लिखूंगा स्टूडेंट, इसका मतलब है मैं इन चारों चीजों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, जैसे आप लिखते हो ना इंटीजर, तो मैंने इधर लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, और आगे लिखा एस, ठीक है। एस का मतलब है कि वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जीरो इंडेक्स पे नेम के अंदर ये आ जाएगा जो भी इनपुट यूजर करेगा, रोल नंबर के अंदर आ जाएगी। अब फर्ज करो मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना दूसरा स्टूडेंट जो है ना उसका आप मुझे सारी डिटेल शो करें, तो आपने सिर्फ क्या करना है, दूसरे स्टूडेंट का एस, दूसरा स्टूडेंट किस इंडेक्स पे पढ़ा होगा, वन इंडेक्स पे, वन डॉट नेम लिखोगे, तो लेट सपोज आपको कहा है कि मुझे उसका नाम शो करो, तो आपको ऐसे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे स्टूडेंट का नाम शो हो जाएगा। आपको कोई कहता है कि नहीं मुझे उसका जो है ना वो आप ये भी शो करें कि उसका रोल नंबर क्या है, तो वो रोल नंबर भी शो हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्ट से फायदा क्या होगा, इस स्ट्रक्ट से फायदा ये होगा कि ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। जैसे ये सारी चीजें इकट्ठी होंगी तो हमें ये यूज करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब हमें ये नहीं याद रखना होगा कि जो दूसरा स्टूडेंट है वो नेम की अरे में कहाँ पड़ा हुआ है, वो रोल नंबर की अरे में कहाँ पड़ा हुआ है, उसके लिए अलग अलग वो लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्ट का फायदा सिर्फ ये है कि चीजों को इकट्ठा कर देता है, मतलब हमने एक काफी सारी चीजों को मिला के इकट्ठा करके एक नया डेटा टाइप बनाया, ठीक है। तो ये असल में आपको उसका फायदा था। अगर मैं एक वेरिएबल से बताऊं तो एक वेरिएबल से स्ट्रक्ट का ऐसे लिखते हैं सिंपल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट जो है उसके अंदर, अगर मैं आपको ये इसको मैं ड्रॉ करके इधर दिखाऊं एमएस पेंट पे, असल में होता क्या है कि ये स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक बनेगा स्टूडेंट, ठीक है, ये है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ा डब्बा बनेगा, ठीक है। इस डब्बे के अंदर क्या होगा, चार डब्बे और होंगे, एक होगा आपका नेम का, एक रोल नंबर का, एक एज का और एक CGPA का। इसका नाम होगा CGPA, ठीक है। इसका नाम होगा, ये पॉइंटर है क्योंकि, तो इसमें सिर्फ नेम, ये तो सिर्फ एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। इसी तरह से ये क्या होगा, ये लेट सपोज एज है, और ये क्या है, ये आपका रोल नंबर है। अब जब भी मैं स्टूडेंट टाइप का कोई वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे मैंने ये एस बनाया, तो एस का मतलब क्या है कि उसकी मेमोरी जो है ना, मैं अगर इंटीजर पूछूं, इंटीजर का मतलब क्या है कि एक डब्बा बनेगा जिसके अंदर मेमोरी होगी 4 byte, ठीक है। बट अगर मैं स्टूडेंट टाइप का एस बनाता हूं, स्टूडेंट टाइप का कोई वेरिएबल बनाता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मैं ये चार चीजें उसके अंदर बना दी है मेमोरी के अंदर, उसके अंदर नेम भी होगा, एज भी होगा, CGPA भी होगा, रोल नंबर भी होगा। अब अगर मैं इनको एक्सेस करना चाहूँ, मतलब मैं नेम को एक्सेस करना चाहूँ या एज को एक्सेस करना चाहूँ या रोल नंबर को एक्सेस करना चाहूँ या CGPA को एक्सेस करना चाहूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ, सिंपल, मैं लिखूंगा s.cgpa, ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें CGPA मैंने डिक्लेयर नहीं किया मेन के अंदर, ये पहले से ऊपर हुआ हुआ है, ठीक है, ये CGPA कैपिटल में है, सॉरी, ठीक है, बट ये अब यूज कर सकते हैं हम डायरेक्टली। और इसका फायदा क्या हुआ था, मैंने आपको दिखाया कि हम उसको अरे बना के इजीली रीड कर सकते हैं, उसको राइट भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रक्ट कैसे जो है वो काम करती होती है, स्ट्रक्ट बिल्कुल सेम है। जैसे आप सर बस एक बात पूछनी थी, ये एक जो वेरिएबल वाला है और एक अरे वाला है, उन दोनों के स्ट्रक्ट में फर्क क्या है, मतलब एक जो आपने पहले वो पूरा स्टूडेंट का एस
रे वाला बनाया था और एक जो अब सिर्फ वो एक वेरिएबल सर मुझे बनाया। तुम बताओ कि एक नॉर्मल इंटीजर का वेरिएबल बनाता हूँ और एक इंटीजर की अरे बनाता हूँ, उसमें फर्क क्या है? वही फर्क है इसमें। ठीक हो गया कि मतलब इसमें एक वैल्यू, एक वैल्यू, एक वेरिएबल में एक है और अरे में। अगर आपने स्टूडेंट की एक अरे बनाई है, लेट्स सपोज टू साइज की, ठीक है, तो क्या होगा? ये आपका होगा एस जीरो। एस जीरो पे क्या होगा? ये आपके चार डब्बे पड़े होंगे। अब इसी को आप कॉपी पेस्ट करें, इसी तरह का सेट, जितने स्टूडेंट्स के सेट, ठीक है, स्टूडेंट का सेट पड़ा होगा। समझ आ गई। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब इसका नाम आप रख दें, लेट सपोज एस वन। ठीक है, अब ऐसे रेप्लिकेशन आती जाएगी। अब असल में फायदा इसका ये होगा कि हमें अलग अलग से चीजों को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि आपने 10 स्टूडेंट के नाम सेव करने हैं, तो 10 स्टूडेंट के नाम सेव करने के लिए मुझे एक 2D अरे बनानी पड़ेगी नेम की, एज के लिए मुझे अलग से अरे बनानी पड़ेगी, रोल नंबर के लिए मुझे अलग से अलग। तो इतनी चीजों को अलग अलग क्यों हैंडल करें? हमने फिर क्या किया, एक नया वेरिएबल बना लिया है जिसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट, और हमने चारों चीजें उसके अंदर लिख दी हैं। अब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का मतलब है ये चारों चीजें, ठीक है। जैसे मैं इंटीजर की बात करता हूँ, इंटीजर का मतलब क्या है कि एक डब्बा, 4 MB का डब्बा। बट जब अब मैं स्टूडेंट की बात करूंगा, तो उसका मतलब है ये चार चीजें उसमें होंगी, ठीक है। आप उसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग अगर ये चीज समझ गए, तो ये बॉक्स का एग्जांपल समझ में आ गया आपको? बॉक्स में क्या किया था मैंने, अगेन वही किया था कि लेंथ विड्थ को इकट्ठा करके लिख दिया था, और फिर मैं इसमें इनपुट ले रहा था। यार अगर आपको ये क्लियर हो गया है, तो मैं आपको एक छोटा सा, क्योंकि मैं अब वैसे तो मैं क्लास करवाने लगा था, बट मुझे लगता है कि आपको ये स्ट्रक्ट जो है वो उस पर आप स्ट्रक्ट हो चुके हैं, तो पहले स्ट्रक्ट को क्लियर कर दिया जाए, फिर हम क्लासेस पे जाएं। तो क्लासेस पे मैं नहीं जा रहा, पहले बॉक्स को ही जो है वो क्लियर कर लेते हैं। ये जो अपनी, जी जी सर, एक क्वेश्चन है, स्ट्रक्ट और क्लास के अंदर जो बेसिक फर्क है वो क्या है? अभी हम वही मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हम क्लास नहीं पढ़ रहे, अभी हम क्लास नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं वैसे आज मूड में था कि आपको क्लास बता दूं। मैंने इसको कन्वर्ट करना था क्लास में, पर क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास मेजॉरिटी है जो जिसने स्ट्रक्ट को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जिनको, तो पहले स्ट्रक्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम कुछ और करते हैं। तो अब आप लोग मुझे एक, सब लोग काम करें छोटा सा, आप लोग देखें, जब भी आप मेरी क्लास में आएंगे, तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपके पास या तो मोबाइल फ़ोन होगा जिसमें आप स्नैप ले सकें, या आप लोगों के पास कंपाइलर जो है वो ऑन कंडीशन में पड़ा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग सब लोग एक काम करें, मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, वो एक स्ट्रक्ट बनाएं और उसको यूज करके दिखाएं मुझे सब लोग, ठीक है? ठीक है, तो टास्क मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या दूं मैं टास्क आपको। अच्छा, टास्क आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि हम किसी चीज की स्ट्रक्ट बना लेते हैं, उसको फिर यूज कर लेते हैं। तो आप बना लें फिर एक, लेट सपोज आप एक बैंक के अकाउंट कस्टमर की बना दें, आप एक कस्टमर जो है उसका एक स्ट्रक्ट बनाएं और उसको फिर यूज करके दिखाएं। मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम दैट क्रिएट a customer type of struct. सर आपकी आवाज कम हो गई बहुत ज्यादा, दिखने में आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है, ये लिख रहा हूँ उसी को आपने करना है। सर दिखने में भी बस टाइप तक ही नजर आ रहा है, मतलब कस्टमर तक जो तक आपने लिखा है, उससे आगे नहीं नजर आ रहा। ये सबके साथ ऐसे ही है? टाइप ऑफ चलें, मैं इसको कंप्यूट कर रहा हूं, प्रोग्राम कर रहा हूं। नहीं सर, अब नजर आ रहा है, आ रहा है। आपकी आवाज पहले सही आ रही थी, अब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, ठीक है, वेट, मैं इसको कंप्लीट कर दूं। राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ कस्टमर टाइप, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं आपके उस पे, पर अभी मुझे लिखने दें पहले। स्ट्रक्ट द एट्रीब्यूट, आवाज बहुत कम आ रही है सर, मैं कह रहा हूं मुझे लिखने दें, आवाज की जरूरत है नहीं वैसे, मुझे लिखने दें, मैं आपको अभी ये कॉपी पेस्ट करता हूं। रेडी हो गया,
आवाज आ रही है मेरी? हेलो आवाज आ रही है मेरी? की बहुत आ रही है आपकी आवाज। मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया है, आपने करना क्या है? करना ये है एक स्ट्रक्ट बनाना है कस्टमर टाइप का, जिसके अंदर आपने आईडी एक इंटीजर टाइप की, बिल एक डबल टाइप का और जेंडर एक कैरेक्टर टाइप की एट्रीब्यूट लेने हैं। फिर आपने दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं उसके मेन के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखाए थे ना इधर, ये जैसे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऐसे आपने कस्टमर के एक कस्टमर वन एक कस्टमर टू के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, और फिर आपने उसके पैरामीटर यूजर से इनपुट लेने हैं, और फिर आपने उसको डिस्प्ले कर देना। बस ये काम आपने करना है, सब लोग करें और मुझे जल्दी जल्दी जो है ना जो करें मुझे इसको जो है ना स्नैप मुझे भेजे, अब मुझे पर्सनल चैट में भेजे। शाबाश करें जरा। क्वेश्चन क्लियर है सर? बिल किस टाइप का बनाना है? बिल किस टाइप का बनाना है सर? बिल की टाइप क्या होनी है बेटा? आप ये तो देखें ना, आप आईटीसी और पीएफ पढ़ के आ गए हैं, अब ये मुझसे ना पूछेंगे बिल किस टाइप का बनेगा। ठीक सर, मैंने एक चीज पूछनी थी, ये जो आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं बेसिकली कस्टमर वन और कस्टमर टू का, ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्ट की वो बनना है ना पूरा उसका, उसके अंदर सारा सर मैं किस, ये जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है B1, इस तरह से आपने बनाना है। ये मैं कोड आपके सामने खोल देता हूँ, इस तरह से आप ठीक है ठीक है। कस्टमर के दो ऑब्जेक्ट बनाने, ये मैंने एक इनपुट लिया है, आपने दो इनपुट लेने हैं। करें जरा वरना मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है हो जाएगा, ये 5 मिनट करें सर, करें 5 से 7 मिनट है, पेज भी करना है करें जैसे करना है, बस मुझे दिखाना है। सर वो खोलिएगा दोबारा, वो जो पहले आपने खोला हुआ था। मैं असल में जो पहले कोर्स पढ़ाता हूँ वो बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, बाद में फिर हम बहुत तेजी से स्पीड पकड़ लेते हैं, तो आप लोग ऐसे ना सोचिएगा कि हम बहुत स्लो चलेंगे प्लीज। अभी मैं स्ट्रक पे इसलिए बैठ गया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएं, तो आपने अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। जिन लोगों को चीज़ें नहीं आती उसमें कोई मसला नहीं है, हर्ज नहीं है, बट आपको साथ साथ सीखने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी। अब आप पे फर्ज है कि आप स्ट्रक का बैठ के प्रोग्राम करें कुछ, ठीक है? वो एट्रीब्यूट क्या थे? जेंडर था, बिल था और एज भी थी, और क्या थे? बस 3 थे एट्रीब्यूट, आईडी, बिल और एज, और जेंडर, बस एज नहीं था, जेंडर था बस। ठीक हो गया। सर भेज दिया आपको तस्वीरें। ओके सर, बस वैसे ही उसके बस ये ऑब्जेक्टिव बनाने थे और कुछ मतलब लाइक फॉर लूप में उसको चला के उसके इनपुट तो नहीं? ऑब्जेक्ट 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 बस ऑब्जेक्ट, इसमें फॉर लूप वैसे लगेगा नहीं, बट सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट ही बनाने हैं इसके, और ऑब्जेक्टिव बस बनाना। चलो ठीक है, ठीक है यार, ये कुछ ठीक लग रहा है मुझे, ये रजवी साहब हैं, आप प्लीज अपना ये जो कंपाइलर है अब वजील उसको। सॉरी मेरा कंपाइलर चल नहीं रहा, इस वजह से मैंने ये डेफ किया खोला हुआ। ठीक है फिर, ठीक है फिर, ठीक। ओके हमारे पास असल में थोड़ा टाइम जो है ना वो उसकी लिमिटेशन है, तो प्लीज मुझे, मैं आपको मजीद 2-3 मिनट और दे देता हूँ।
यार ये रजी साहब आप मुझे ये कोड इसका सेंड कर देंगे, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं, ये जी सर मैं कर देता, ये मुझे मैसेज करते हैं। सर मैं आपको टेक्स्ट फॉर्म में लिख दूं, मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। सर मैंने आपको प्राइवेट मैसेज में पिक्चर सेंड कर दी, जैसे भी करें कोई मतलब। ये ओके सर। अबे यार ये हादी हफीज पीछे क्या लगाया हुआ है, मुझे कुछ दिखने में नहीं आ रहा इसका। सर असल में ये क्या बैकग्राउंड लगाया हुआ है उन्होंने, ये तुझे खुद पढ़ने में आ रहा है? वैसे तो मैं आपको दोबारा पिक्चर सेंड कर, ये वैसे पीछे है क्या छुआ रहे लखे में? नहीं नहीं सर ये विजुअल स्टूडियो का बैकग्राउंड है। अच्छा विजुअल स्टूडियो कोड मैंने डाउनलोड किया हुआ ना तो उसका ब्लैक थीम है, तो इस वजह से नहीं आया। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, चलें जी ज़ैनब का भी ठीक है कोड। उसके बाद ये सैयद मोहम्मद आगे नाम क्या है आपका? आपको आपने कोड मांगा था सर। जी जी ठीक है सही है, ये भी ठीक है। हुज़ैफ़ा का भी ये इनपुट फंक्शन, ओह माशाल्लाह इन्होंने तो फंक्शन के थ्रू ही बना दिया है, वाह जबरदस्त बेहतरीन जबरदस्त। यार आप लोग तो सारे पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं। इनपुट में रेफरेंस लेना था शायद, वो नहीं दिया मैंने। नहीं नहीं रेफरेंस नहीं लेना था इसमें, ये पास बाय वैल्यू होना है। नहीं इनपुट में, हाँ इनपुट में रेफरेंस लेने की जरूरत थी। सर मैंने दोबारा सेंड किया आपको, देखता हूँ जरा। अच्छा खैर यार अब इतने ज़्यादा जो है वो देख नहीं सकते हम, जनरली मैं आपको ये एक किसी का कोड जो है ना मैं किसी ने भेजा है मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आपको देखा, आप अपना कोड उनसे मैच कर लीजिएगा। मैं वैसे जब फ्री होऊंगा ना तो आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा कि आपका कोड ठीक है या नहीं, ठीक है? तो अभी क्लास के अंदर हम इतने सारे कोड नहीं देख सकते। ओके तो ये कोड जो है ये किसका कोड था, ये हाँ सैयद मोहम्मद का कोड है। अच्छा ये देखें इसने क्या किया है, सबसे पहले पहले कस्टमर की स्ट्रक्ट बनाई है, उसमें आईडी लिखा है, बिल लिखा है और जेंडर लिखा है, ये बन गई हमारी अपनी डेटा टाइप, ठीक है? उसके बाद मेन के अंदर हमने क्या किया है, दो इसके ऑब्जेक्ट बनाए हैं, कि दो ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब दो वेरिएबल बनाए हैं कस्टमर टाइप के, ठीक है? एक C1 एक C2। उसके बाद हमने कहा है कि एंटर करें C1 की डेटा को, और C1 की डेटा में क्या है, C1.id, C1.bill, C1.gender, ठीक है? इसी तरह से फिर इसको सी आउट करवाया है और सीन फिर से C2 को सीन करवाया है और इसको सिंपल सी आउट करवाया है बस। तो ये बेहतरीन जो है वो आपने कोड लिखा है, इसी को मैं एक दफ़ा चला के भी दिखा देता हूँ आपको कि ये चल भी रहा है कि नहीं, ये मेन वगैरह लिखा हुआ है ना, ठीक है ला के देख लेते हैं एक दफ़ा। ओहो ये आईडी आपने 1 लिखा हुआ है इधर, ओके ओके। अब इसमें C1 की जो एंट्री है उसमें पहले आईडी एंटर करते हैं 1, बिल एंटर करते हैं 256 और जेंडर इसकी है मेल। इस तरह से दो आईडी है और उसका बिल 500 रुपये है, 5000 रुपये है, लड़कियां ज़्यादा खर्च करती हैं फीमेल, ठीक है? अच्छा जी ये इसने 1 लिखा है 256 तक, क्योंकि इसने प्रिंटिंग अच्छे तरीके से नहीं करवाई तो ये 1 है फिर 256 आया फिर मेल आया है, ठीक है? हमने पहले एंट्री यही की थी, उसके बाद हमने 2 लिखा था तो ये 2 आया है और उसके बाद 5000 इसके बिल थे और फीमेल, ठीक है ना? तो ये इसने बिल्कुल ही ठीक कोड लिखा था और ज़बरदस्त कोड है ये, आप लोगों ने तकरीबन सब लोगों ने कोड सही लिखा हुआ है, ठीक है? जिन जिन का मैंने देखा है सबका सही है कोड। तो इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई इशू अब नहीं होगा कि ये क्या है। अब मैं इसको अगर अरे से करना चाहता हूँ, लेट सपोज इसी चीज़ को मैं अरे से करना चाहता हूँ, ये मेरे कस्टमर है ना लेट सपोज 10 हैं या 100 हैं कस्टमर या 1000 कस्टमर हैं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा अगर इसमें इनपुट और आउटपुट करना हो तो बहुत ही सिंपल काम है। क्या एक मैं लगा दूंगा लूप,
एक लूप, मेरा असल में फॉर लूप फेवरेट है, आपकी मर्जी है आप जो लगाएं, मुझे फॉर लूप इजी लगता है सबसे, तो इसलिए मैं फॉर लूप ही लगाता हूँ। आई प्लस प्लस, और अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले पहले मुझे इनपुट करनी है, ठीक है। अब इनपुट करने के लिए मुझे C1 तो नाम की कोई चीज नहीं है, अब ये सी ऑफ आई, आई की वैल्यू पहले 0 होगी फिर 1 होगी, इस तरह से ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आप चलें षष्ठक के लिए ये भी लिख दें साथ में कि एंटर। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, सबके साथ यही मसला है भाई, मैं भी एक मिनट एंटर वैल्यू फॉर, आपको शो हो गई यार, ये थोड़ा शशका आ गया, ये शशका आ गया साथ में, ठीक है। आई की वैल्यू पहले 0 होगी, तो हमने 0 प्लस 1 मतलब पहले कस्टमर 1 की वैल्यू एंटर करें, फिर कस्टमर 2 की वैल्यू एंटर करें, इस तरह से ये वैल्यू एंटर करवाता जाएगा। थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये मैंने सिंपल सी आउट करवाया और सी इन करवाया, अब ये सारी चीजें इधर से खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर मुझे इसका आउटपुट करना है तो सिंपल सी इन की जगह सी आउट कर दूंगा, ठीक है। तो चलें इसको साथ में आउटपुट भी कर देते हैं, ताकि इसको आउटपुट एंड पे करते हैं, ठीक है। और इसका आउटपुट जो है वो इस तरह से आउटपुट इसका करते हैं, कस्टमर और सी आउट, और इस तरह से फिर कैंडल, तो आपकी बात काटो, एंडल भी नहीं लगा देंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन, जी जी अभी अभी मैं लगा रहा हूँ एंडल, जी ये एंडल आ गया, मेरी ख्वाहिश भी पूरी है। अच्छा हम कुछ कस्टमर कम कर देते हैं ताकि ये प्रोग्राम जल्दी टर्मिनेट हो, 3 कस्टमर के लिए कर देते हैं। अच्छा ये कोड जो है ना जेनरिक कोड नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे 3 बार बार चेंज करना पड़ा है, तो ये एक गलत चीज़ है, इसलिए मुझे यहाँ पे कॉन्स्टेंट इंट साइज वाला तरीका इस्तेमाल करना चाहिए था, ठीक है। अच्छा सर ये सी आउट में स्पेसेस भी देते हैं, चलें स्पेस में भूल गया, अब चलें इसको ऐसे ही करते हैं। आईडी पहले 1 है, और उसके बाद बिल इसका है 2500 रुपये, और ये मेल है, इस तरह से आईडी 2 है और इसका बिल भी 4000 रुपये है, और ये भी मेल है। अच्छा उसके बाद 3 कर देते हैं, उसके बाद इसका बिल कम कर देते हैं, बायस नहीं होते हम। अब ये देख लें कस्टमर 1, ठीक है, उसके बाद इसका आईडी 1 है और 2500 और मेल, इस तरह से कस्टमर 2 है उसका आईडी 2 है और 4000 और मेल। अब देखें ये कोड हमारा कितना इजी हो गया, अगर फर्ज करें यही कोड अब हमने 1000 कस्टमर के लिए लिखना हो, 4000 कस्टमर के लिए लिखना हो, या एट्रीब्यूट मुझे एक इंक्लूड करना हो, तो सिंपल एक अगर मैं फर्ज करें इसमें मैं कहता हूँ यार इसमें एज भी साथ में आप इनपुट करवाएं इंट एज, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ एक सिंपल इधर एज एंटर कर देनी है, टी एफ आई इधर एज लिख दूंगा डॉट एज, और इसी को कॉपी पेस्ट इधर कर दूंगा। तो देखें आपको फायदा ये हो रहा है इसका कि आपको चीजें जो है ना मैनेज करना बहुत इजी अब हो गई है, ठीक है। पहले आपको चीजें थोड़ी मैनेज करना मुश्किल हो रही थी, अगर ये स्ट्रक्ट नहीं बनता तो आपको इसकी भी अरे बनानी थी, 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 चार अलग अरे, जितने एट्रीब्यूट उतने अरे, तो उनको मैनेज करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिस। तो आपको सबको हर बच्चे को ये समझ में आ गया है कि इसका फायदा क्या है इस स्ट्रक का। Yes, sir. अच्छा अब अगेन यहाँ पे एक इशू है, ठीक है। इशू ये है कि हमारे पास जो आईडी है, आईडी यूजर लेयर से वो दे दे -23, एज यूजर दे दे 0, ठीक है, या जेंडर वो दे दे एक्स वाई एक्स एक्स जेंडर दे दे। अब इसका मतलब क्या हुआ, बिल वो नेगेटिव में दे दे। अब ये जो चीजें हैं ना ये हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, हालांकि ऐसी जो चीजें हैं ना उसकी एंट्री हमें करनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, या उसको करेक्ट करना चाहिए।
तो अभी अगर हमने करेक्ट करना है इसको तो हमें इतने इफ लगाने पड़ेंगे कि यूजर की इनपुट पहले लो और फिर उसको चेक करो कि वो नेगेटिव में तो नहीं है, ठीक है, या उसने गलत इनपुट तो नहीं की हुई, ठीक है. लेट सपोज CGPA है, ठीक है ना, तो CGPA 3 से 0 से लेके 4 तक के दरमियान होना चाहिए, उससे बड़ा या उससे छोटा नहीं होना चाहिए. तो इस चीज़ों को टैकल करने के लिए आपको इतने इफ लगाने पड़ेंगे तो ये काम खराब हो जाएगा. अब इस चीज़ों को टैकल सारा करने के लिए ना हमने एक नया कंसेप्ट सीखना है. और दूसरा, अगर फर्ज करें कोई फंक्शन हमने बनाना हो, ठीक है ना, हमने कोई इस पे कोई कोई ऐसा फंक्शन बनाना हो, लेट सपोज प्रिंटिंग के लिए या कोई कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे हमने बॉक्स क्लास बनाई थी, बॉक्स क्लास की कैलकुलेशन क्या हो सकती है, उसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, एरिया कैलकुलेट करना हो, तो ये सारे फंक्शन जो है ना हम एक ही जगह पे कर सकते हैं. हम सिर्फ क्या करें, जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाए ना, इसी तरह से ऑब्जेक्ट बनाए और हम उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करें. कैसे, ये मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये हम जब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्लास बनाना, ये मैं आपको तब बताऊंगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ. फिलहाल आज के लेक्चर तक आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की चीजें क्या हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स होते हैं, फंक्शनैलिटीज की कोई होती है. अच्छा, इसी तरह से आपके पास ऑब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट C++ में कैसे किया जाता है, उसको किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लासेस. और क्लासेस के बाद आपको ऑब्जेक्ट जो है, मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्ट जो है, पहले आपको स्ट्रक्ट की एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है ना स्ट्रक्ट से बहुत मिलता जुलता है, ठीक है. तो पहले हमें स्ट्रक्ट सीखनी है. स्ट्रक्ट क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि आप मल्टीपल जो है वो एक अपनी डेटा टाइप, नई डेटा टाइप क्रिएट करनी हो तो आप उसके लिए स्ट्रक्ट बनाते हैं. फिर हमने देखा कि इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये मैनेज करना बहुत ईजी हो गई. फिर मैंने आपको एक मिसाल दी स्टूडेंट की, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स को आप अलग 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 अगर हैंडल करेंगे तो उसके लिए आप मल्टीपल अरे बनानी पड़ेंगी और उनको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो आप एक ही स्ट्रक्ट बनाएं और फिर उसकी अरे बना लें तो वो इजी, बहुत इजी हो जाएगा उसका जो यूज़ करना, ठीक है. तो आपको मैं एक छोटा सा जो है वो काम भी दूंगा आपकी, जिसको हम कहेंगे क्लास पार्टिसिपेशन, ठीक है. तो क्लास पार्टिसिपेशन में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक टास्क दे दूंगा, वो मैं शाम तक अपलोड करूँगा, ठीक है. आपने वो टास्क फाइलिंग और स्ट्रक्ट पे होगा, आपने वो टास्क को पढ़ना है, समझना है और फिर आपने उसको जमा करवाना है ऑन टीम्स, ठीक है, टीम पे फिर उसको जमा करवा देना है, ठीक है. वो मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा और उसकी डेडलाइन होगी नेक्स्ट क्लास तक, नेक्स्ट क्लास तक होगा, ठीक है सर, ठीक है. नेक्स्ट क्लास आपकी परसों है, थर्सडे वाले दिन. क्लास का मतलब क्लास होता है, लैब का मतलब लैब होता है. लैब आपकी 8 बजे होती है, क्लास आपकी. सर नागेश कल कराना है पॉइंटर्स के ऊपर काम के जुम्मे वाले दिन. नहीं, नागेश साहब ने आपको जुम्मे वाले दिन करवाना है, ठीक है सर, ठीक है. पॉइंटर्स पे कल जो है आपका फ्री दिन है, कल आप सिर्फ यही वाला काम करेंगे. असल में अभी स्लो है, अभी हमारा पेस भी स्लो है. कल भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, आज भी हमने कोई खास चीजें नहीं पढ़ी हैं, बट मेरी कोशिश है कि मैं जो भी पढ़ाऊं आपको कम से कम समझ में आए. हमने कोई रेस नहीं लगानी, ठीक है.